कोरोना महासंकट के बीच उद्योग जगत को पीएम मोदी का मंत्र, कहा लोकल के लिए वोकल होना जरूरी, स्वदेशी को बनाए अवसर। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच आज पीएम मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में की। ये कार्यक्रम कोलकाता में हो रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 95 साल से आईसीसी देश की सेवा कर रहा है। पीएम बोले कि आज के वक्त में देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी है, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो चीज़ें हमें विदेश से मंगानी पड़ती है, हमें विचार करना होगा कि वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम ने कहा कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया, अब उन्हें जमीन पर उतारा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कोई भी कंपनी सीधे पीएमओ तक अपने सामान या प्रपोजल को पहुंचा सकते हैं। लोगों को जीईएम से जुड़ना होगा ताकि देशी कंपनियों का सामान सरकार भी खरीदे। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट्स के लिए क्लस्टर के आधार पर मजबूती दी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाए जाने की कोशिश है। आईसीसी ठान ले तो इसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। पीएम ने कहा कि आज वक्त है जब कोलकाता फिर लीडर बने, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो पूरा देश आगे करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 साल बाद आपकी संस्था अपने 100 साल पूरे कर लेगी। 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में हर किसी के लिए यही वक्त है कि एक बड़ा संकल्प लिया जाए और आत्मनिर्भर भारत अभियान को संपूर्ण करने के लिए कुछ किया जाए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अपने गठन के बाद से आईसीसी ने अब तक काफी कुछ देखा है और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते, काश हम एडिबल ऑयल में, फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम सोलर पैनल्स, बैटरीज और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।